नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग राष्ट्रीय उद्यान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, एसएससी जीटी, यूपी पुलिस और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले, चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। दोस्तों, यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, गेंडा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सी है और यह किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, गेंडा के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है तो यह है काजीरंगा और यह असम राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें गिर राष्ट्रीय उद्यान की, तो देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है और ये गुजरात में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो कि राजस्थान में स्थित है। और जिम कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर टू है, दाछीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, दाछीग्राम जो अभ्यारण्य है तो ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ठीक है, और यह कश्मीरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बांदेपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, बांदेपुर जो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन सा है और यह कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, भारत का प्रथम जो तितली उद्यान है तो यह है बनरघट्टा जैविकी उद्यान, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पाँच है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है यह भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, रणथंभौर जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य है तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है और ये बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई है स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई है कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश जो है इसको भारत का बाघ राज्य भी बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आठ है, सॉरी सात है, वह प्रथम राष्ट्रीय यानी नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया। तो देखिए, ये तो बता ही चुके हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है कार्बेट नेशनल पार्क है, जो भारत में स्थापित किया गया, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर आठ है, ओडिशा राज्य में स्थित नंदन कानन किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, नंदन कानन जो है ये अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन है, राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो देखिए, राजा जी राष्ट्रीय पार्क एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दस है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ग्यारह है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। तो देखिए, नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है ये जैसलमेर में स्थित है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है, घाना पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, घाना पक्षी अभ्यारण्य जो है ये राजस्थान में स्थित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तेरह है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो देखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है मतलब अभ्यारण्य है ये विश्व धरोहर घोषित किया गया है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। केवलादेव ये किस राज्य में है, तो देखिए केवलादेव जो है ये राजस्थान में है, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, यहाँ पर एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरे तरफ राज्य दिया गया। तो देखिए, पहला जो दिया गया है बांदेपुर, तो बांदेपुर कौन से राज्य में है, बांदेपुर कर्नाटक में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में है, सिमलीपाल
सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में है और सरिस्का अभयारण्य राजस्थान में है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा, इसमें कुट नहीं दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य यानी रिजर्व कौन सा है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा नागार्जुन। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? नागार्जुन है, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुमेलित करें तो देखिए इसमें भी सुमेलित करना है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, सिमलीपाल अभयारण्य ये तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है शेर के लिए प्रसिद्ध है, और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाथी किस उद्यान में प्रसिद्ध है? तो देखिए हाथी जो है ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए सिमलीपाल जो अभयारण्य है तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सरिस्का पक्षी बिहार किस राज्य में अवस्थित है? तो सरिस्का पक्षी बिहार ये राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य शेरों को संरक्षण प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये शेरों को संरक्षण प्रदान करता है, और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंह लीला राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए सिंह लीला जो राष्ट्रीय उद्यान है तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन एशियाई शेरों के शरण स्थल या गृह के नाम से विख्यात है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई शेरों के शरण स्थल या फिर गृह के नाम से विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित अभयारण्यों को सही राज्य चुनकर जोड़ियाँ बनाए? तो देखिए यहाँ पर पहला दिया गया है गौतम बुद्ध, तो देखिए गौतम बुद्ध ये किस राज्य में है? तो ये है बिहार राज्य में, डालमा राष्ट्रीय उद्यान, डालमा जो है झारखंड में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, और पेरियार केरल में है। ठीक है, 24 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पर जो पहला दिया गया है कार्बेट नेशनल पार्क, तो देखिए कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, हजारीबाग जो नेशनल पार्क है तो ये झारखंड में है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये असम राज्य में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, विश्व का एकमात्र तैरने वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लैमजाओ कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, घाना पक्षी वन जो है ये मेघालय में नहीं है। देखिए घाना पक्षी इसका पूरा नाम है केवलादेव घाना पक्षी बिहार, ठीक है, और ये राजस्थान के भरतपुर राज्य में स्थित है, राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है, बाकी तीनों करेक्ट हैं। सर इसका राजस्थान में है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में, और शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, सुमेलित करें तो देखिए यहाँ पर पहला दिया गया है मानस, तो देखिए मानस जो है ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, दाचीग्राम हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, मधुमलाई हाथी के लिए प्रसिद्ध, और काजीरंगा ये गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है? तो वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो शिकारी देवी अभयारण्य जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, फ्लोरा फान और एबियन जीवों के लिए प्रसिद्ध आश्चर्यजनक खतरे से परिपूर्ण नाम दफा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, फूलोई घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के डैस में हिमालय क्षेत्र में स्थित है?
तो देखिए फूलों घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के उत्तराखंड में हिमालय क्षेत्र में स्थित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हंगुल के लिए नहीं प्रसिद्ध है, ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? तो ये केरल राज्य में है, आपको याद रखना है। बाकी तीनों करेक्ट हैं। राजा जी राष्ट्रीय पार्क हाथी के लिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी हाथी के लिए, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये टाइगर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा बाघ परियोजना जो है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी जो है सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बुक्सा बिहार में नहीं है। बुक्सा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है, आपको याद रखना है। तीनों करेक्ट हैं, दम्फा मिजोरम में, नमेरी असम में, और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है केरल में, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 38 है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो देखिए ये महत्वपूर्ण है बाघ और हाथी के लिए, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का राजस्थान में स्थित है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो देखिए शिवपुरी जो राष्ट्रीय पार्क है मध्य प्रदेश का, तो ये तेंदुआ और चीतल के लिए महत्वपूर्ण है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था राष्ट्रीय उद्यान, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो पसंद आया रहेगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।